Hello students, today we are to talk on history of English novel. Now, it is difficult to trace the origin of English novels. Of course, it's difficult. ये difficult है कि हम बताएं कि English novel कब से शुरू हुआ है ना, बट वी कैन से दैट इट वॉज इन द मिडल ऑफ द 16th सेंचुरी देन दैट द ग्रोथ ऑफ दिस जानियर इज विटनेस्ड। ठीक है, 16th सेंचुरी के मिडल में इस टाइप की लिटरेचर की, इस जानियर की यानी इस लिटरेरी टाइप को की ग्रोथ को देखा गया। सर फिलिप सिडनी का वर्क आर्कैडिया एंड जॉन लाइली का ह्यू फ्यूज, इन दोनों वर्क्स को हम प्रिकर्सर मानते हैं मॉडर्न नॉवेल्स का। एंड ए मच हायर प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स इज कैन बी गिवन टू जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड इट हैड अ क्लियरली डिफाइंड प्लॉट एंड करेक्टर description and dialogue. ठीक है, few other prominent Elizabethan writers जैसे Robert Greene हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे articles लिखे including Pendosto जो कि resemble करता है Sidney और Lyly के style से, फिर Thomas Delaunay है who described the work of craftsmen in narratives लाइक जैक ऑफ न्यूबरी, द जेंटल क्राफ्ट, थॉमस डेकर हैं हु वाज आल्सो ए ड्रामेटिस्ट, पोर्ट्रेट कॉन्टेम्प्रेरी लाइफ इन ए नंबर ऑफ ट्रैक्ट्स, है ना, जिनमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो है वो गर्ल्स हॉर्न बुक ही है। इन दिस द लो लाइफ ऑफ लंदन इज प्रेडिट। ट्रेसिस ऑफ नॉवल्स आर विजिबल इन द कॉवरली पेपर्स जो कि पीरियडिकल है। किसने लिखा? एडिसन और स्टील ने लिखा। दे कंटेन्ड लाइफ लाइक करेक्टर्स, रियलिस्टिक डायलॉग्स एंड ट्रू डिपिक्शन ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी सोशल लाइफ। कॉवरली पेपर से क्या चला? दैट पेव्ड द वे फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ करेक्टर ऑफ द नॉवल एंड मैनर विच अमर्ज सून आफ्टर। देन 17th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से नॉवल स्टार्टेड टेकिंग शेप इन दिस मॉडर्न फॉर्म, रिजेक्टिंग द सेंसेशनलिज्म ऑफ देयर प्रेडिसेसर्स। नॉवलिस्ट बिल्ट देयर थीम्स अराउंड रियलिज्म। डेनियल डेफो एक ऐसे नॉवलिस्ट हैं, है ना, जिन्होंने नॉवल राइटिंग के प्रोसेस को एक एक्साइटिंग सा बनाया, एक ऑल एब्जॉर्बिंग सोर्स बनाया ऑफ पासिंग टाइम, है ना। इन हिज नॉवल्स जैसे मोल फ्लैंडर्स है, रोक्साना है, जो डेनियल डेफोज के नॉवल्स हैं, उनमें उन्होंने क्या दिखाया? हिज टैलेंट ऑफ मेकिंग अनइंटरेस्टिंग थिंग्स इंटरेस्टिंग, कि अनइंटरेस्टिंग चीजों को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, एंड देन बाय प्रेजेंटिंग देम एज रियलिस्टिक, कि अनइंटरेस्टिंग को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, कि हम उनको रियलिस्टिक दिखाएं। सो द अर्ली 18th सेंचुरी जो है इट इज एंटाइटल्ड एज द फ्लावरिंग टाइम। अर्ली 18th सेंचुरी को हम फ्लावरिंग टाइम कहते हैं मॉडर्न नॉवल, जैसे कि एडवांसेस इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज, डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, है ना, 1642 में तो सारे थिएटर्स ही बंद कर दिए गए। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर्स थे जैसे कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं आई, सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज थी, ड्रामा बंद हो गया, एक्सपेंशन ऑफ रीडिंग इन पब्लिक बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेटर्स, है ना, एंड मैनी मोर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू पॉपुलराइजिंग नॉवल। सो द मेजर नॉवलिस्ट जो है 18th सेंचुरी के वो कौन है? सैमुअल रिचर्डसन, जिन्होंने एपिस्टलरी नॉवल इन्वेंट किया,
उन्होंने ही रॉट अबाउट द साइकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ अ करेक्टर, उन्होंने साइकोलॉजिकल स्टडी की करेक्टर्स की जिनकी बात कर रहे हैं, स्पेशली वीमेन की, उनके पॉपुलर नॉवेल्स कौन से थे, जैसे पामिला है, क्लैरिसा है, एंड हिज सक्सेस लाइज इन हिज रियलिस्टिक थीम्स एंड टेक्निक्स ऑफ नरेशन। हेनरी फील्डिंग ने फिर प्रोमिनेंट वर्क्स लिखे जैसे जोसेफ एंड्रयूज, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स, द हिस्ट्री ऑफ जोनाथन वाइल्स, है ना। थ्रू हिज थीम्स, करेक्टर्स एंड डायलॉग्स, फील्डिंग डिजायर्ड टू एक्सपोज द शेम एंड हिपोक्रेसी इन पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड रिलीजन ऑफ द टाइम। फिर लॉरेंस स्टर्न आए, है ना। लॉरेंस स्टर्न का टाइम पीरियड कौन सा था, 1718 से 1768 का। उन्होंने दो मास्टरपीस लिखे, एक तो है द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टम शैंडी और दूसरा है सेंटीमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। तो ही हैज अबंडेंटली यूज्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, जिसमें स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है, कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट, कभी पास्ट, है ना। तो थ्रू ऑथर्स इंटरवेंशंस, डाइग्रेशंस और इस तरह से और बहुत सारे अनयूजुअल से डिवाइसेस यूज किए उन्होंने अपने वर्क में। बीइंग ए यंगर सन टोबियास स्मॉलेट, ही हैड लिटिल होप फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज नॉवेल्स आर एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन एंड हिज पर्सनल एक्सपीरियंस। तो स्मॉलेट के कौन कौन से वर्क्स हैं, रॉड्रिक रैंडम, पेरीग्रीन पिकल, हम्फ्री क्लिंकर एटसेट्रा। तो ये 18 सेंचुरी में ये डेवलपमेंट्स हुई। इन्हीं के बीच में लेटर डेवलपमेंट क्या है, नॉवल ऑफ टेरर, जिसको अपन गोथिक नॉवल भी कहते हैं, ये पॉपुलर हुए। तो एक तरह से ये न्यू टाइप ऑफ रोमांटिक फिक्शन था, विच ड्रू इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन मेडाइवल लाइफ, आर्ट, इन स्यूडो गोथिक कासल्स, चर्चेज, एंशियंट बैलेड्स एटसेट्रा। तो यहाँ इस गोथिक नॉवल को किसने लिखा, होरेक वॉलपोल, कासल ऑफ ऑटरेंटो, है ना, वो इस टाइप का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरह के और गोथिक नॉवलिस्ट कौन हुए, जैसे मिसिज रेडक्लिफ, मॉन्कल्यूज, शेली, विलियम बैकफोर्ड। Then we come to the 19th century. 19th century में जो works of fiction है, they are of far greater significance than the terror tales. वो और भी ज़्यादा significant है. Jane Austen, Sir Walter Scott, they are two prominent novelists of 19th century. Austen's fiction explored the themes of property, marriage, status of women. Jane Austen, she basically talks about the theme of love and marriage and sentiments and all that. Unke prominent novels kaun se hain? Pride and Prejudice, Emma, Sense and Sensibility, Mansfield Park. Theek hai? Phir Walter Scott aaye. He is considered as the father of historical novel. Wo fact or fancy ko, history or romance ko acche se dikhate hain apne novels mein. इसी तरह से फिर इसी एज में कौन नॉवलिस्ट थे, थॉमस लव पीकॉक। उन्होंने किस तरह, ही इन्वेंटेड ए नॉवल विच कंटेन्स आयरनी एंड मोकरी ऑफ रोमांटिक एक्सेसेस। और उनका इंपॉर्टेंट वर्क कौन से हैं, मेड मैरियन, क्रॉचेट कासल, ठीक है। तो विक्टोरियन ईरा में क्या हुआ, विक्टोरियन ईरा आल्सो विटनेस्ड एन एक्सपेंशन ऑफ द नॉवल। इसमें जो है द नॉवल ब्रांच्ड ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस एंड स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। नॉवल राइटिंग हर तरह की, फॉर्म भी अलग तरह की चेंज हुई, थीम्स भी कई तरह के थे। वन कुड फाइंड डोमेस्टिक नॉवल्स, हिस्टोरिकल नॉवल्स, पॉलिटिकल नॉवल्स, मिस्ट्री एंड क्राइम नॉवल्स, सोशियोलॉजिकल नॉवल्स, रोमांटिक नॉवल्स, रिलीजन नॉवल्स, साइकोलॉजिकल नॉवल्स एंड मेनी मोर। सो नॉवल राइटिंग इन द विक्टोरियन ईरा वाज यूज्ड एज ए व्हीकल ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म एंड इट वाज कंसीडर्ड एज एन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एनलाइटनमेंट, ठीक है।
द मेजर नॉवलिस्ट ऑफ दिस पीरियड आर चार्ल्स डिकेंस, जिनका पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, फिर कौन थे, थैकरे, थैकरे भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें थे, वैनिटी फेयर, एसमॉन, है ना, फिर जॉर्ज मेरेडिथ, वो भी बहुत पॉपुलर थे, ओडियल ऑफ रिचर्ड फेवरेल, रोडा फ्लेमिंग, फिर इसी एज में विक्टोरियन एज में कौन थे, थॉमस हार्डी, है ना, थॉमस हार्डी गेव इंग्लिश नॉवल ए न्यू डेप्थ रिचनेस एंड सिग्निफिकेंस, ही यर्न्ड फॉर इंग्लैंड्स पास्ट एंड डिस्ट्रस्टेड द मॉडर्न सिविलाइजेशन, डेस्परेट रेमेडीज, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, जूड द ऑब्स्क्योर, ये सब उनके वर्क्स थे। ठीक है, फिर आई बारी 20th सेंचुरी की। 20th सेंचुरी विटनेस द फ्लावरिंग ऑफ द नॉवल इन इट्स फुल एक्सपेंस, वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, बहुत तरह के थीम्स थे, है ना, मॉडर्न राइटर्स जो है दे वर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स विद लैंग्वेज एंड स्टाइल, वो बस तरह तरह के नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे लैंग्वेज से, स्टाइल से, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ द पर्टिकुलर राइटर्स, इन सब की वजह से, ये सब पॉइंट्स थे जिनकी वजह से जो नॉवल राइटिंग है वो एक उसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर मिली, है ना। देन कम्स जॉर्ज ऑरवेल, रॉट इन दिस एज टू ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कैटेगरीज, एनिमल फॉर्म्स और 1984। फिर जेम्स जॉयस जो है, ही वॉज एक्सपेरिमेंटर ऑफ लैंग्वेज, और उनकी ओरिजिनेलिटी किस बात में है, उनकी एक्सेप्शनल एरुडिशन में, ही इज नोन फॉर 3 मेन वर्क्स, है ना, जेम्स जॉयस के, यूलिसिस, फिनिगन्स वेक, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, फिर देखो वर्जीनिया वुल्फ थी, है ना, शी वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मोड, है ना। Then her major works in are Orlando, Mrs. Dalloway, To the Lighthouse, फिर Aldous Huxley, बहुत अच्छे novelist थे, C.W. Lewis, C.S. Lewis, D.H. Lawrence, Graham Greene, है ना, ये सब important novelist रहे modern age के। फिर a new phenomena appeared in the 50s and early 60s of the 20th century. 20th सेंचुरी के 50s और 60s में एक नई टाइप के नॉवेल्स आए जिनको हम एंग्री यंग मैन कहते हैं उस ग्रुप को, द उन नॉवलिस्ट्स को, और नॉवलिस्ट आइडेंटिफाइड एज द एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन हम कौन से नॉवलिस्ट को कह रहे हैं, जो 1950s और 60s के थे, जिनमें कौन आ रहे हैं, जॉन वेन, किंग्सले एमेस, एलन सिलिटो, तो दीज राइटर्स दे एक्सप्रेस देयर रिवोल्ट अगेंस्ट द एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी ऑन द ग्राउंड दैट देयर एल्डर्स एंड द सिस्टम हैव मेड ए मेस ऑफ द वर्ल्ड। फिर सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर क्राउडेड विद वीमेन नॉवलिस्ट, यहाँ पर हमारे पास कौन है, रिबाका वेस्ट, आईवी कॉम्पटन बर्नेट, है ना, डॉरिस लेसिंग, आयरिस मर्डॉक, तो ये सब यंग नॉवलिस्ट हैं who have stepped into the spotlight in the last decades, such as J.K. Rowling, Norman Mailer, है ना, क्राउली, J.M. Barrie। तो हम क्या कह रहे हैं कि द मॉडर्न ब्रिटिश नॉवल जो है, The modern British novel represents the social changes which occurred owing to the paradigms of thinking. Okay? So that's how the English novel develops. So I hope you understand, and the things are there in the book itself, which is prescribed for your syllabus. Thank you.